नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनीता जी विलेज किचन में। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अनीता जी का किचन नाम था चैनल का, अनीता जी विलेज किचन कैसे हो गया। तो इसका स्टोरी बहुत ही लंबा है दोस्तों। एक मंथ हो गया नाम चेंज हुआ है। कैसे हुआ है मैं आपको बता दूं, जब हमारा चैनल हैक हुआ था ना, उस समय से ना चैनल का नाम बदल गया था, एंड्रॉइड टेक आ रहा था। आप लोग में से बहुत से दोस्त हमें कमेंट किए कि अनीता जी आपका चैनल का नाम क्यों नहीं चेंज हो रहा, एंड्रॉइड टेक आ रहा है, किसी को दे दिए हैं क्या, चैनल बेच दिए हैं क्या। लेकिन हमारा ही वीडियो उस पर आ रहा था, आप लोग देखे भी। तो आप लोगों का सारा कमेंट मैं पढ़ती हूँ। तो दोस्तों, वो नाम चेंज नहीं हो रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। बड़ा मुश्किल से, मतलब बड़े बड़े स्पॉट भी करना चाहे उसको ठीक नहीं हुआ। जैसे कि हमारे बच्चों से तो नहीं हुआ था, ये किसी और से भी करने के लिए कोशिश किए, नहीं हुआ। तो उसका नाम बदलना पड़ा आखिरकार। तो अब हमारा नाम चेंज हो गया अनीता जी विलेज किचन। पहले था अनीता जी का किचन, हैं। तो दोस्तों, नाम से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाम आप ही लोगों का दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा अफसोस हो रहा है कि पुराना नाम तो पुराना ही होता है और ये नया, न कहते नहीं है नया लुगा नौ दिन लुगरी बरीस दिन तो नया नाम है, तो मेरे को भी उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को एक हेल्दी रेसिपी बताऊँ, जिससे आप लोगों को भी बहुत हेल्प मिले। जैसे कि वेट लॉस करना बहुत से हमारी बहनें चाहती हैं, भाई लोग भी चाहते हैं। तो देखिए, अभी हम अपने गार्डन में हैं, इस समय चल रहा बरसात का सीज़न। बरसात का सीज़न में ऐसा होता है ना कि सब्जियां कोई नहीं रहता है घरों में, खेतों में भी नहीं रहता है, बहुत ही इक्का दुक्का सब्जी है खेत में। आप लोग देखे ही होंगे हमारा ब्लॉग चैनल पर। तो मैं भी गार्डन में देखी, कोई सब्जियाँ नज़र नहीं आ रहा है। जो भी सब्जियाँ है इक्का दुक्का, उसी से बनाने वाली हूँ हेल्दी खिचड़ी। हेल्दी खिचड़ी आज ऐसा बनाऊंगी कि आप उसको 5 मिनट में बना के पूरा फैमिली को खिला सकते हैं और बोलेंगे वाह मज़ा ही आ गया। तो चलिए, खाना खिला दिया है, पानी पिला रहा है, देखिए अब पी के अब फिर चली जाएगी वो। खिचड़ी बनाने के लिए हम देखिए अरवा चावल, यानी कि कोई सा भी अरवा चावल लीजिएगा, आपके घर में भी होगा चावल। तो चावल मैं हाफ कटोरी ली हूँ। आ जाती है दाल की बारी। तो दाल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कौन सा दाल लें खिचड़ी में, कौन सा दाल ना लें। तो यहाँ पे हम 3 तरह का दाल लिए हैं। आपके पास 5 तरह का दाल है तो 5 तरह का ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर। इस तरीके से मैं उड़द दाल ली हूँ मुट्ठी भर। तो मुट्ठी भर हम उड़द का दाल लिए हैं और मुट्ठी भर अरहर का दाल लिए हैं और मुट्ठी भर यहाँ पर हम लिए हैं ये साबुत मसूर, ले सकते हैं टुकड़ा मसूर, जो भी दाल आपके घर में हो। तो यहाँ पे देखिए, एक मुट्ठी हम उड़द का दाल लिए हैं, एक मुट्ठी अरहर का दाल, एक मुट्ठी मसूर का दाल। तो अभी हमारे पास दोस्तों ये 3 ही तरह का दाल था। आप चना दाल ले सकते हैं, साबुत मूंग ले सकते हैं, जो भी दाल है, दाल आप इसमें कितने भी प्रकार के, जैसे 5-7 जो भी है वो डाल सकते हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि उड़द दाल क्यों, तो उड़द दाल होता है ना, हमारा पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं आपको बता रही हूँ कैसे, उसमें एक लिबलिबा पदार्थ मिलता है जो कि हमारा पेट साफ करने में बहुत ही काम आता है। तो जो दाल था मैं ले ली हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि कोई सब्जी घर में नहीं रहता है, बचा खुचा जो भी रहता है उसी सब्जी से आप बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास भी शिमला मिर्च थोड़ा सा बचा हुआ है, एक गाजर बाजार से आया हुआ था तो रखा हुआ है, और 3-4 बैंगन 2-3 दिन पहले खेतों से निकला था, और यहाँ पे 2 टमाटर ली हूँ, थोड़ा सा मिर्ची ली हूँ। अभी इस समय बरसात के दिन में सिर्फ लोबिया हमारे खेतों से निकल रहा है और झिंगुनी, तो लोबिया मैं ले ली हूँ। आप बीन्स भी ले सकते हैं इसके जगह पे, छोटा छोटा काट के। तो जितनी भी सब्जियां हैं आपके पास दोस्तों, ले लें और इसको बारीक बारीक काट लें। और ये जो दाल था ना चावल, एक ही में डाल के इसको भिगोना है। चावल दाल को धो के इसको हम भिगा देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक सब्जियां काटेंगे ना तब तक ये थोड़ा भीग भी जाएगा। तो अच्छा से धो लें और धो के इसमें पानी डाल दें 2 कटोरी। सभी सब्जियों को धो लेंगे। इसमें हम एक प्याज भी लिए हैं, प्याज तो हर किसी के घर में होता ही है।
तो यहाँ देख रहे हैं बारीक बारीक सब्जी काटने के लिए स्पेशल दिल्ली से आदमी बुलवाए हैं। सारा सब्जी ना अभी इन्हीं से कटवाऊंगी क्योंकि बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। इधर जब तक हम खिचड़ी के लिए तड़का रेडी कर रहे हैं, ये देखिए मिर्ची काट लिए हैं, लहसुन थोड़ा सा लेंगे, अदरक लेंगे। अगर लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें आप, लहसुन प्याज स्किप भी कर सकते हैं, बारीक बारीक काट लेंगे। कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट डाल सकते हैं, तीनों ऑप्शन है दोस्तों। जस जना तुझको भुला दिया, देखो वादा किया भुलाने का। भूल न पाया जा सजना तुझको भुला दिया, जा जा सजनी तुझको भुला दिया। तो हमारे दोस्त बताइएगा ये किस चीज का पौधा है, देख लीजिए। लेप इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि खिचड़ी खाने में तो मजा आता है और तसला धोने में, समझ गए होंगे कितने दोस्त समझ गए। इसलिए लेप लगाना जरूरी है क्योंकि चूल्हे पे बनाऊंगी ना तो खिचड़ी तो कोई भी खा लेगा, लेकिन जब तसला धोने की बारी आती है चूल्हे पर रख लेते हैं दोस्तों। इससे ज्यादा आगे नहीं बोलेंगे, शरीफ बंदे हैं, लाला जी हंस रहे हैं कि बहुत तू शरीफ है। तो चूल्हा जला लेते हैं दोस्तों, नहीं तो खिचड़ी बिरबल की खिचड़ी बन जाएगा है। बहुत से दोस्त हमारे इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं ना कि दिल खुश हो जाता है। बहुत से दोस्त ये भी बोलते हैं कि अनीता जी आपका रेसिपी देखने के बाद मुंह में पानी आ जाता है, और बहुत से दोस्त बोलते हैं कि अनीता जी आपका रेसिपी से ज़्यादा आपके बातें सुनने के लिए हम आते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि हमारी बातें हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है, खाली हमारे पति देव को छोड़ के। पता है रेसिपी तो बनता नहीं होगा तो इस वजह से सोचता है कि बातें ही सुन दो। किसको चैलेंज कर रहे हैं हमारे दोस्तों को? नहीं, तो नहीं पता है उनकी रात दिन नहीं कटती है हमारे बिना। अच्छा हाँ, सोच रहे हैं, सोचते हैं किसी का बकवास ही सुन लो, कम से कम टाइम पास तो हो जाएगा। देख रहे हैं बकवास बोलते हैं हर पत्नी को, ना पत्नी बोल रही हूँ, हर पति को अपने पति की पत्नी की हर पति को अपनी पत्नी के बातें बकवास लगता है, हैं? आपको भी लगता होगा लेकिन बुरा ना माने, होली है होली है। देख रहा ना लक्की कैसे कैसे बोल रहे हैं, ये मेरा इंसल्ट ही करवा देंगे। मैं अपना मिशन पे आती हूँ, गुस्सा के मारे खिचड़ी जला दूंगी आज दोस्तों। आज गुस्से में बनाऊंगी खिचड़ी, आज जला नहीं दी ना तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं नहीं, नाम पहले ही बदल चुका है भाई, ऐसा काम नहीं करूंगी। तो दोस्तों जल्दी से हम तेल डालते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। इसीलिए गाना गा रही थी, जा सजना तुझको भुला दिया। दो चुटकी जीरा डाल देंगे दोस्तों तेल में ही, जीरा चटक जाए साड़ी में आग लगेगी, इतना महंगा साड़ी खरीदवाई हूँ साल में। जीरा चटक गया है दोस्तों, अब यहीं पे अदरक लहसुन मिर्ची सब डाल देंगे। तो तड़का देखिए कितना अच्छा भुन गया है दोस्तों, और आप लोग टेंशन ना लें, जैसे मिर्ची जलती है ना वैसी बीवी लोगों का भी काम है जलते रहना, पति देव से लड़ते रहना, ऐसा नहीं है। देखिए कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए कितना अच्छा काटे हमारे पति देव जी। अब इसमें डालते हैं प्याज, क्या
वही जो गजरा का ऊपर का नहीं कवर काटे थे, जमा हुआ था, इसको बोल देते हैं खा जमा का डाल देते हैं नीचे ही हो, मतलब तो खाए खाए के बिना कितना दिन हो जी डाले। हाँ देख रहे हैं दोस्तों, प्याज भून जाना चाहिए गुलाबी गुलाबी, फिर प्याज के चेहरे पे स्माइल आ जाना चाहिए, गुलाबी गुलाबी हो जाए तो सारा सब्जी टमाटर छोड़ के थोड़ा देर के बाद डालेंगे और सारा सब्जी को डाल दें, ना आओ देखें ना ताओ देखें। धुआं लगता है। तो सब्जियों को ना 3 से 4 मिनट अच्छा से भून लीजिए दोस्तों, हाई सब्जी में एक अच्छा सा ना टेस्ट आ जाएगा जब भून जाएगी तो। देख रहे हैं सब्जी तो भून ही रहा है, उधर हमारे पति देव गुस्सा हो गए हैं, बोल रहे हैं आज सारा खोद दूंगा, ऐसे तो गुस्सा होकर काम कर रहे हैं, बोलते हैं कि सब खोद दूंगा आज। तो मिट्टी खोद के पुश्तैनी खजाना ढक दिए और नीचे सब खाजा को दबा दिए हैं, अब क्या होगा ना एक महीने के बाद जमेगा, जब खाएंगे तब खोद के आपको दिखाएंगे, ब्लॉग बराबर देखिएगा तो अभी पता लगेगा, रोज नया नया चीज दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों खजाना छुपा दिए हैं उसमें और आपको देखना है कि वो खजाना कहाँ से आया था, तो हमारे ब्लॉग वाला चैनल पे अनीता जी की दुनिया पे कंटिन्यू रहिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है हमारा वीडियो वहाँ का भी और यहाँ का भी। देख रहे हैं पतिदेव को मनाने गए तब तक हमारा चूल्हा बुझ गया, टमाटर डाल लेते हैं दोस्तों, दो मिनट और भून लेंगे सब्जियों के साथ टमाटर को भी, मिर्च वाली बा हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि किस चीज़ का जलावन है आपको, अरे बाबा बताना है दोस्तों, देख लीजिए मिंट भी दे देती हूँ, बताना है किस चीज़ का जलावन है, खिचड़ी में भी डाला हुआ है, पूरा ही बता दोगे तो फिर मजा कैसे आएगा। खिचड़ी में तो बहुत सारी चीज डाली है, चावल डाला है, दाल डाला है, है ना बाबा। तो किस चीज का जलावन है दोस्तों आप लोगों को बताना है, देख लीजिए तो भून लिए हैं 2-3 मिनट टमाटर को भी, अब यहाँ पे देखिए जो हम चावल रखे थे ना धो धा के भिगो के वो डाल लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, फिर आ रहा है और स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लिए। अब आती है बारी दोस्तों पानी डालने की, बहुत से दोस्त सोचते होंगे कि खिचड़ी बनाना तो बेहद आसान है, जब आप खिचड़ी बनाए होंगे तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि पानी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, परफेक्ट पानी डालने के लिए जितना आपका दाल चावल है उसके 6 गुना पानी डालिएगा दोस्तों, 6 गुना डाल सकते हैं 7 गुना डाल सकते हैं लेकिन 6 गुना से कम पानी नहीं डालना है, तो क्या हो जाएगा खिचड़ी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी, खिचड़ी बनाना भी एक कला ही है। अब ढक्कन बंद करके 2 विसल लगवा लीजिए क्योंकि इसमें उड़द का दाल है, नहीं तो 1 विसल में खिचड़ी हो जाता है तैयार। नामारी का सिटी है, कभी कभी दोस्तों गैस से ना सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आए दिन सुनने में आता है सिटी के पास का जो रब वो है छेद है साफ होना चाहिए। तो बस हमारा खिचड़ी बन के हो ही गया तैयार, 1 और सीटी लगेगा फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा बना है। चुप हो गया, अब नीचे उतारते हैं ठंडा होने देते हैं।
तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी तैयार है। खाने वाले भी तैयार है। देख रहे हैं, जब इसको रखिएगा खिचड़ी को, जैसे आधा घंटा के लिए, एक घंटा के लिए, तो ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो एकदम परफेक्ट है। अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। दही के साथ खाओगे? देख रहे हैं देसी घी है, देसी घी ऊपर से डालेंगे और गर्मा गर्म इसका लुप्त उठाएं। तो देखिए खिचड़ी बनके कितना बढ़िया तैयार है, एकदम हेल्दी खिचड़ी, और ज़्यादा गाढ़ा नहीं ना ज़्यादा पतला, एकदम बराबर है। खिचड़ी को आप दही के साथ खाएं या अचार के साथ खाएं, डबल तड़का लगा के खाएं, सिंगल तड़का लगाएं, ये आपकी मर्जी है, अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये सिंपल सोबर खिचड़ी एकदम मस्त टेस्टी, बिना मसाले का बहुत ही हेल्दी बनाए दोस्तों। आप इस तरीके से बना के खा के और बताइएगा। और आप अगर आप हफ्ते में 2 दिन खिचड़ी लेते हैं तो पक्का आपका 10 दिन में 2 से 3 किलो वजन कम होगा, 2 से 3 किलो हैं। लेकिन उसके लिए डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क करें। तो देख रहे हैं खिचड़ी बना नहीं, खाने वाले आ गए और बोल रहे हैं कि हम ले जाके पंखे में खाएंगे हैं। तो इनको दे देते हैं दोस्तों, और आप लोग भी इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा। मजा आई गला, किस हाथ से ले जाऊंगा? दांत में टांग ले। दांत भगवान किस लिए दिए? ये नीचे रखो ना, उस पे एक ढक्कन रख दो, ऊपर दही रख दो। बोल रहा दही कैसे ले जाऊं? पड़ेगा तो क्या करूंगा, पूरे कुकर ले जा। थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, और दे दो। अरे ठीक है, इसमें वो दे दो ना, दही का दे दो। मैं कर ला। खिचड़ी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कीमती कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू दोस्तों।